हेलो गाइस, हाय। मेरा नाम चंदा देवी मौर्य है और आपको हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और देखिए, पीपल का वृक्ष लगा हुआ है जो कि मेरे हस्बैंड जी लगाए हैं, और सोचे कि आप लोग को आज दिखा दें। और चलिए, आज आपको दिखा रहे हैं अपने गांव का रोड। देखिए, ये पोखरा है, पोखरा सरकारी है, इसमें मछली पाला गया है और इसमें पानी भी है। देखिए, आरी आरी सब शीशों लगा हुआ है। और इधर तो हम कभी आई भी नहीं करते हैं, लेकिन जब से ब्लॉग बनाने के लिए चालू किए हैं तब से रोज़ रोज़ हमको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। और चलिए, इसी बहाना हमको कुछ घूमने के लिए भी मिल जाता है, बहुत बढ़िया लगता है कि इसी बहाना चलिए कुछ तो घूम लें। और क्या बोलूँ, देखिए दोनों तरफ से पेड़ है और बीच में रोड है। ये रोड हमारे घर के पास भी चला जाएगा। देखिए कितना अच्छा रोड है। ये धान का खेती हुआ है, उधर बड़ा सा भी पोखरा है। वो पोखरा तो अपना है, मतलब जिनका खेत है उनका पोखरा है वो। और देखिए, तो सरकारी है। इधर आने का बहुत अच्छा है। ये देखिए, पानी बिना धान मरने लगा है। जिसके पास मोटर है वो तो पटाक रिला रहा है। दो दिन से बारिश नहीं हो रहा है। देखिए धान कैसा हो रहा है। ये शीशों का पेड़ है। हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का अभी यहीं तक एंड करते हैं और चलते हैं घर के लिए। बाय।